الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جامعة أمينية کے محتمم حضرت علامہ قاری مسعود احمد حسنان صاحب زید مجدہم اور ان کے صاحبزادے اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ علامہ فضل الرحمن صاحب اس مقتدر ادارے کے حضرت شیخ الحدیث وعالی مرتبت اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز حضرت علامہ مفتی یاسر امینی صاحب زید مجدہم آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام حفظ قرآن کریم کی سعادت سے اپنے جسم و جان قلب و روح اور ظاہر و باطن کو منور کرنے والے حفاظ کرام ان کے خوش نصیب والدین اور خاندان کے افراد اور احباب جو آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے اس ادارے کے قابل قدر حضرات طلباء کرام معززین شہر اور میرے عزیز دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آج کی تقریب دستار فضیلت کی مناسبت سے
चंद जरूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाराबाजी को मौकूफ कर दें और तवज्जो से मेरी गुजारिशात को सुने। सबसे पहली बात ये कि इन इदारों की जरूरत क्यों है। और FATF का अनुमान हो, दुनिया का कोई और अनुमान हो, अहले मगरिब की तवज्जोहात का मरकज ये इदारे क्यों हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, इसकी उनको फिक्र नहीं है। उनकी सारी तवज्जो इन मदारिस और अहले मदारिस पर क्यों है। एक दिन में 33 कवानीन कैसे पास कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इन इदारों की जरूरत को समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, मा काना अल-मुमिनूना लियनफिरू काफ्फा। ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुसलमान अपनी सनत को, हिरफत को, तिजारत को, ज़रात को, कारोबार को, रोजगार को, मुलाजमत को छोड़कर दीन के लिए निकल खड़े हों, क्योंकि ये सारे शोबे भी इंसानियत की जरूरत हैं, हमारे मुआशरे की जरूरत हैं। तो अल्लाह फरमाता है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हर इलाके, हर कबीले, हर बिरादरी, हर कस्बे, हर बस्ती, हर मुल्क और हर शहर में से एक गिरोह, एक जमात, एक तबका अपने आप को दीन के लिए वक्फ करके मैदान अमल में आ जाए। लियतफक्कहू फिद्दीन। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि ताकि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए। फरमाया कि मुझे अपने दीन के लिए चंद सिलेक्टेड, चुने हुए लोग चाहिए। लियतफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन के फकीह बन जाए, ताकि वो दीन के स्पेशलिस्ट बन जाए, ताकि वो दीन के माहिर बन जाए। ये भी नहीं फरमाया कि कव्वाल बन जाए। ये भी नहीं फरमाया कि नाथवा बन जाए। ये फरमाया कि ये लड़े यतफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन के फकीह बन जाए।
क्यों लियुंदिरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि जब आलिम फाजिल बनकर वापस अपनी कौम में जाए तो उन्हें अल्लाह के अजाब से डराएं। वलअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए। तो बताया कि आपको उम्मत की हिफाजत करनी है, आपको उम्मत की फिक्र करनी है और पूरी उम्मत को आपकी फिक्र करनी चाहिए। ये मदारिस, ये उलमा, ये पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। इसलिए कुरान ने बताया कि इनकी जरूरत है दीन की हिफाजत के लिए, दीन के गलबे के लिए और दीन को अपनी असल शक्ल में बाकी रखने के लिए इन मदारिस की जरूरत है। मदारिस तो दुनिया भर में है, जामे आजम भी है, जामे बगदाद भी है, जामे दमिश्क भी है, लेकिन उनको उनकी फिक्र नहीं है, पाकिस्तान के इन मदारिस की फिक्र है। इसलिए कि ये पाकिस्तान के मदारिस हैं कि तालीमात मुस्तफा के साथ साथ सूरत मुस्तफा भी महफूज है। इसलिए क्लीन शेव जामिया अजहर में, जामिया काहिरा में, जामिया दमिश्क में, जामिया बगदाद में मेंबर पर बैठकर खुतबा दे सकता है, मगर मेरे पाकिस्तान के एक छोटे से देहात की छोटी सी मस्जिद के मेंबर पर भी बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो वो जानते हैं कि ये इदारे इस्लाम की कदरों के अमीन हैं, ये इदारे मोहब्बत मुस्तफा के अमीन हैं। जब तक ये इदारे कायम हैं, दीन को मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए पिछली उम्मतों में जब एक नबी चला जाता तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा नबी आ जाता। जब एक नबी के विसाल फरमाने के बाद उसकी तालीमात को भुला दिया जाता, बदल दिया जाता, मस्क कर दिया जाता, तो दीन की तजदीद के लिए दूसरा नबी आता था। मगर मेरे आका चूंकि खातिमुन नबीयीन बनकर आए, इसलिए आपके बाद किसी नबी के आने का कोई इम्कान बाकी नहीं है। तो फिर पिछली उम्मतों में जो फरीजा अंबिया का था, इस उम्मत में अल्लाह के रसूल ने वो फरीजा उलमा को तफवीज किया। और हज्जतुल वदा के मौके पर जब आपने अपने आखिरी वसाया, आखिरी पैगाम डिलीवर कर दिया, तो 1 लाख या कमोबेश सहाबा-ए-किराम सामने मौजूद थे। आपने पूछा,
अला हल बल्लग तो, लोगो बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक मिला कमो काश पहुंचा दिया। सब ने एक जबान होकर जवाब दिया, बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का पैगाम किसी कमी बेशी के बगैर हम तक पहुंचा दिया है। फिर आपने अपनी मुश्त मुबारक तीन मरतबा बुलंद की और नीचे लाए, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। ए अल्लाह, तू गवाह है कि तेरे ये बंदे गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरे दीन के पैगाम को पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया कि फल युबल्लिगिश शाहिदुल गायबा। अब ये मैं नबूवत की ड्यूटी है मेरे उम्मतियों तुम्हें तफवीज कर रहा हूं। सो जो आज मैदान अरफात में हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मेरे पैगाम को उन तक पहुंचा दें जो आज यहां पर मौजूद नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि नहनु माशरुल अंबिया, हम अंबिया की जमात हैं, ला नरसो वला नूरसो, न विरासत पाते हैं न विरासत छोड़कर जाते हैं। इन्नमा विरासतुल अंबिया अल इल्म, नबियों की विरासत इल्म है, जो जितना बड़ा आलिम है उतना ही बड़ा वारिस नबवी। तो वो फरीजा जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तफवीज किया था, वो सहाबा ने उम्मत की तरफ मुंतकिल फरमाया। इसलिए अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कलाम की हकानियत की दलील मेरे आका व मौला थे और उनके बाद जो पहली सब है वो सहाबा किराम की है। इसलिए एक सनद वो है जो आज आपको दी जा रही है और एक सनद वो है जो यूनिवर्सिटियों में तक दी जाती है, कॉन्वोकेशन में, तकसीम असनाद। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से गुजरता हूँ और जलसे तकसीम असनाद का दिन होता है तो तलबा के बाहर एहतजाजी बोर्ड लगे होते हैं, हमें डिग्री नहीं रोजगार चाहिए। क्यों? कि वो सनद जो गले में लटकाते हैं या हाथ में, वो रोजी के तलब करने का इश्तिहार होता है। अगर रोजी न मिले तो वो कहते हैं कि ये सनद किस काम की। लेकिन आप जो सनद लेते हैं ये वो सनद नहीं है। ये सनद ये है कि आपका रिश्ता आपकी तालिबे इल्मी का रिश्ता, आपकी रिवायत का रिश्ता आपके उस्ताद से, फिर उस्ताद के उस्ताद से, फिर उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद से, फिर उनके उस्ताद से, फिर उनके उस्ताद से, बगैर लड़ी के टूटे हुए 1442 साल का सफर तय करके ताजदारे कायनात तक पहुंच जाता है।
इसलिए फरमाया कि अल इस्नादु मिन अद्दीन व इल्ला قال من شاء ما شاء कि सनद यूनिवर्सिटी की सनद नहीं, सनद हदीस ये दीन की बुनियाद है। अगर इसकी पाबंदी खत्म कर दी जाए तो फिर जिसके जो मुंह में आएगा बकता फिरेगा, जिसके जो जी में आएगा कहता फिरेगा, लेकिन जिसके हाथ में ये सनद होगी उसके सामने कोई बात करेगा तो पूछेगा कि तुम्हारी बात की दलील क्या है, सनद क्या है। इसलिए सूरतुल क़यामा में है कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा था तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करने के लिए जल्दी जल्दी दोहराते तो रब कायनात ने फरमाया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह, ए प्यारे हबीब इस अमानत वही को याद करने के लिए अपनी ज़बान मुबारक को तेजी से हरकत न दिया कीजिए। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, इसे आपके सीने में और आपके जहन में महफूज करना और आपकी ज़बान पर जारी करना ये आपका नहीं, ये हमारा काम है। फैला करना हो तबी कुराना, जब हम पढ़ ले हमारा भेजा हुआ फरिश्ता पढ़ ले तो आप इत्मीनान के साथ करार के साथ सुकून के साथ पढ़ लिया कीजिए। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर याद रखना ये कोई दीवान गालिब नहीं है कि जिस शेर की जो तशरीह जिसके जी में आए बयान करे। अल्लाह ने फरमाया कि ये कलाम भी मेरा है और इसका बयान भी मेरी तरफ से आएगा, तो फिर बयान किस पर आएगा बोलो, जिस पर कलाम आएगा। बयान भी उस पर नाजिल होगा जिस पर कलाम नाजिल हुआ। इसलिए बताया कि अला वानूतीतुल कुरान वमिसलहु माहु, सुनो मुझे कुरान दिया गया है और वही रब्बानी होने में उसकी मिसल हदीस भी उसके साथ है। इसलिए कुरान को हदीस की रोशनी में पढ़ा जाएगा और हदीस को कुरान की रोशनी में समझा जाएगा, ताकि ये बाजी के अतफाल न बन जाए। हुजूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि रजुल शबान अलारी कतही, एक शख्स पेट भरा हुआ अपनी मस्जिद पर बैठा होगा और कहेगा कि मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही फअहिल्लु वमा हर्रमल्लाहु फी किताबिही फहर्रिमु, जिस चीज को अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल कहा है उसे हलाल मानो, जिसे हराम कहा है उसे हराम मानो, मस्जिद इससे आगे कुछ नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि इससे आगे भी है, अला व अना उहर्रिमु अल हिमार अल अहली वजीना मिन सबा, अल्लाह ने अथॉरिटी मुझे दी है कि मैं पालतू गधे को और सामने के दांतों से शिकार करने वाले दरिंदों को वजी मिखलब मिन सबा मिन तयूर और पंजों से शिकार करने वाले परिंदों को हराम डिक्लेयर करता हूं।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये अथॉरिटी मेरे पास है और ये अथॉरिटी आपको अल्लाह ने दी है कि युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइथ, कि मेरे नबी की शान ये है कि वो पाक चीज़ों को हलाल डिक्लेयर करते हैं और नापाक चीज़ों को हराम डिक्लेयर करते हैं। इसलिए आज जिस चैलेंज का आपको सामना है वो ये है कि कुरान और सुन्नत की हिफाजत करना। आज जो साजिश है वो ये है कि कुरान का रिश्ता सुन्नत से तोड़ दिया जाए। कराची गवर्नर हाउस के मुत्तसिल नेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, यहां ग्रेड 20 के ब्यूरोक्रेट तरबियत पाए जाते हैं। वहां एक दिन साल में हमें भी बुलाते हैं लेक्चर के लिए, डिस्कशन के लिए। तो मैं गया, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी इस लेवल के लोग होते हैं। तो एक ने कहा कि मुफ्ती साहब, हदीस में तो इख्तिलाफ है, सही है, ज़ईफ है, एक ऑथेंटिक चीज कुरान है, तो क्यों ना हम कुरान पर सारे जमा हो जाएं। मैंने कहा आपकी बात में बड़ी अपील है, बड़ी दलील है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको ये कैसे पता चला कि यह कुरान अल्लाह का कलाम है? क्या आज की रात कोई फरिश्ता आपके पास आया? क्या आज सुबह आप उठे थे तो अल्लाह की तरफ से कोई प्रिंटेड किताब आपके सरहाने पर रखी थी? तो फिर मैंने कहा सुनो, अगर हदीस के कलाम रसूल होने के बारे में सहाबा की शहादत मोतबर नहीं है तो कुरान के कलाम अल्लाह होने के बारे में कैसे मोतबर हो जाएगी? क्योंकि ये शहादत भी तो उन्हीं के वास्ते से आई है। इसलिए इस्लाम की हक्कानियत की पहली कड़ी ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम है। ये कुछ अरसे से ये मुहिम क्यों चल रही है, सहाबा को क्यों हिट किया जा रहा है, सहाबा पर कभी सराहतन, कभी इशारतन, कभी किनायतन, कभी तारीफन, कभी तौरियतन, कभी ईहामन तान क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जब इस दीन की हक्कानियत की पहली कड़ी मुश्तवा हो जाएगी तो फिर दीन में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सहाबा-ए-किराम की इहानत करने वाले और उसको बर्दाश्त करने वाले इस्लाम की बुनियादों में डायनामाइट बन रहे हैं, बारूद बन रहे हैं कि चिंगारी देंगे और भक्त से इमारत उड़ जाएगी। क्योंकि जब शहादत की पहली कड़ी मुश्तवा होगी तो आगे तो कुछ नहीं बचेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस बयान करते हैं कि कुंतु अक्तुबु कुल्ल शयइन अस्मऊ मिन रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के रसूल से जो बात सुनता लिख लिया करता था, जिसे तालिब इल्म नोट्स लेते हैं। फिर कुछ समझदार लोगों ने मुझे कहा कि मियां, इन नबी बशर यतकल्लम बिल फिल गदब वल रिदा,
नबी बशर है, कभी कैफियत जलाल में होता है, कभी कैफियत जमाल में होता है, कभी कैफियत गजब में होता है, कभी कैफियत रिजा में होता है। इन कैफियत में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, हर बात न लिखा करो। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाशारा भी इस भी ही इलाफी है, अपनी अंगुष्ट मुबारक से अपने दहने मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि कैफियत जलाल हो या कैफियत जमाल हो, मैं जो कुछ कहूँ लिख दिया करो, क्योंकि हर कैफियत में इस जबान से हक के सिवा कुछ जारी नहीं होता। इसलिए आज इस्लाम पर हमला करने के लिए ये तदबीरें की जा रही है। और आपको पता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है जो आपके अंदर बैठा है, जो दामे हम रंग के जमीन बिछाए कि शिकारी जब शिकार करना चाहता है तो जमीन में जो जाल फैलाता है वो मटियाले रंग का होता है ताकि शिकार को पता ना चले और फंस जाए। तो ये साजिश जो हो रही है ये भी दीन के नाम पर हो रही है। अल्लाह के रसूल ने तो कहीं नहीं बताया कि अहले बैत अधार की तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता जब तक आप किसी सहाबी पर तान न करें। ये उम्मत में तो हमने नहीं देखा। अहले बैत अधार की शान बयान करने से हमें रूहानी सुकून मिलता है, किसी मोमिन को तकलीफ नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में अगर सहाबा की तौहीन की जाए तो फिर बर्दाश्त करोगे? जोर से बोलो। तो फिर आज का खतरा ये है, उलमा की जिम्मेदारी ये है कि दीन की बुनियादों की हिफाजत करना। और ये अकीदत की आड़ में हो या किसी भी आड़ में हो, इस फितने को कबूल नहीं किया जाएगा और इस साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपने नबी के जिक्र को सारी शरीयतों का जुज्व लाजम बनाया कि वह इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन, उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह नबियों से मीसाक ले रहा था कि लमा आतैतुहुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि जब आलम अरवाह में कि जब मैं तुम्हें अपनी अपनी बारी पर अपने अपने जमाने में इंसानों के दरमियान हिदायत के लिए भेजूंगा, किताब भी दूंगा नबूवत भी दूंगा, तो तुम मुझसे वादा करो कि सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास अगर वो रसूल आए जो तस्दीक करने वाला है उस पैगाम की जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो वादा करो कि लतुमिनुन्ना बिह, तुम जरूर 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 उस पर ईमान लाओगे। वलतंसुरुन्ना, तुम जरूर बेजरूर उसकी मदद करोगे। फिर उनसे इकरार किया कि अकररतुम, क्या तुम इकरार करते हो कि इस पैमान को पूरा करोगे? अखज़्तुम
तुमने मजबूत पैमाने वफा बांध दिया है तो फिर सोचो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि हमारे आका उनके जमाने में नहीं आएंगे? बोलो, क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि हमारे आका और मौला 124,000 या कमोबेश अंबियाए किराम के दौर में उनके होते हुए नहीं आएंगे? तो फिर मेहमान क्यों लिया? इससे पता चलता है कि हर नबी की नबुव्वत इस बात के साथ मशरू थी कि अपने अपने दौर में अल्लाह के हबीब की आमद के डंके बजाते हुए जाएं, अल्लाह के हबीब की आमद का चर्चा करते हुए जाएं। चुनांचे कुरान बताता है वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तहून अलल्लज़ीन कफरू, आपकी आमद से पहले उस दौर के अहले ईमान की जब काफिरों से जंग होती और काफिर गालिब आने लगते तो दुआ करते कि या अल्लाह नबी आखिर जमा के वसीले से फतह अता फरमा, और फिर उन्हें फतह नसीब होती। फलम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बे, लेकिन जब वो आ गए उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाहुम, जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं कुरान कहता है, इसी तरह से पिछली किताबों में बयान करदा निशानियों की रोशनी में हमारे आका को पहचानते थे। और कुरान फरमाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस तरह जिक्र मुस्तफा पिछली किताबों में आया इसी तरह जिक्र सहाबा मुस्तफा भी पिछली किताबों में आया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीन मअहु, और वो जो उनके साथ हैं, उनके रफीक हैं, उनके अस्हाब हैं, उनकी शान ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, कुफार के मुकाबले में निहायत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में दूसरे के लिए रहीम हैं, करीम हैं, शफीक हैं, मेहरबान हैं। तराहुम रुकान सुज्जदा, ए मुखातब तू जब भी उनको देखेगा या हालत रुकू में पाएगा या हालत सजदा में पाएगा। यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, वो हर आन अल्लाह के फजल और रज़ा के तलबगार रहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनकी निशानी उनके चेहरों पर सजदों के निशानात हैं। लेकिन ये निशानात नहीं जो काले घटे पड़ जाते हैं लोग रगड़ रगड़ कर, ये नहीं, ये नूर है। क्या है ये नूर? क्योंकि हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में जब 124,000 या कमोबेश अंबिया किराम की उम्मतें होंगी तो जिस तरह हर मुल्क की फौज की अपनी यूनिफॉर्म होती है, अपने मेडल्स होते हैं, अपनी पहचान होती है, तो ये हमारे आका कयामत में आपकी उम्मतियों की पहचान क्या होगी? मेरे आका ने फरमाया कि उनके वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे, वो में मुहज्जब होंगे। नूरहुम यसा बैना एदीहिम व बिअयमानिहिम, मेरे गुलाम जिधर जा रहे होंगे सामने भी नूर होगा, दाएं जानिब भी नूर होगा। कुरान कहते हैं कि ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, अस्हाब रसूल की ये मिसाल तौरात में बयान की गई है। व फिल इंजील,
और इंजील में अशाबे रसूल के बारे में ये बयान किया गया है कि कजर इल अखरज शक्कहू, कि एक काश्तकार ने बीज बोया, उससे बारीक सी कोंपल निकली, फआज़रहू उसने कुव्वत पकड़ी, फस्तगलज़ा वो ठोस होती चली गई, मोटी होती चली गई, फस्तवा अला सूके, एक वक्त आया कि वो तनावर दरख्त बन गया, अब आंधी चले, तूफान आए, सैलाब आए, उस दरख्त को हिला नहीं सकते। अल्लाह फरमाते कि यो ये गुजुर्रा, जब काश्तकार अपने बीज को एक तनावर दरख्त की शक्ल में देखता है तो खुशी से खिल उठता है, लियदीद बिहिमुल कुफार, और कुफार उसे देख कर जल उठते। तो ये बीज क्या था? ईमान का बीज था। खेती क्या थी? सहाबे रसूल के कुलूब थे। काश्तकार कौन था? दाइदारे कायनात थे। और जब सहाबा किराम फतेह मक्का का दिन आया और बात किया दुआर आए, तो फिर बादल का कोई तूफान उनको हिला नहीं सकता था। और ये बताया कि सहाबा को देखकर खुश होना सुन्नत मुस्तफा, और उनको देखकर उनकी शान को देखकर जल उठना तरीका कुफार। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये इंजील में बयान किया गया है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान लड़ेंगे, जिहाद करेंगे, दुश्मन गालिब होता नजर आएगा तो लोग ऐलान करेंगे कि हल फीकुम मन साहब रसूलुल्लाह, लोगों इस लश्कर में कोई सहाबी रसूल है? अगर होता तो उसके वसीले से दुआ मांगते। फिर फरमाया के बाद में एक दौर आएगा कि जिहाद होगा, और फिर मुश्किल वक्त आएगा तो कोई पूछेगा हल फीकुम मन साहबा साहिब रसूलुल्लाह, कोई ऐसा है जिसने सहाबी रसूल को देखा, उसके वसीले से तो। इसलिए सहाबा ईमान का मेयार है। क्या ईमान का? ईमान की कसौटी है। वैदा तील लहुं आमिनू कमा आमनन नास, जब उन मुनाफिकों से कहा जाता है ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए, तो बोले जब कुरान उतर रहा था तो ईमान लाने वाले लोग कौन थे? गौर से बोलो कौन थे? तो फरमाया कि वो ईमान चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमें वो ईमान चाहिए जो सहाबा रसूल का ईमान। तो ईमान के लिए स्टैंडर्ड क्या है? ईमान सहाबी, शान सहाबी, मकाम सहाबी, उनको मेयार बनाया। इसी तरह ग़ज़वे बदर को कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, और कुरान को भी फुरकान कहा, हक और बादल के दरमियान फर्क करने वाला। तो ग़ज़वे बदर में क्या था कि फिर एक रात अल्लाह के रसूल ने तवील दुआ करने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहि सहाबा लन तुग़्ला, ए अल्लाह आज जो ये 313 अफराद का इंसानी सरमाया मैं जमा
یہ مقام ناز میں آپ نے فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ بدر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی زمین پر جو اللہ کی عبادت کی جا چکی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جائے گی، یہ صدقہ ہے شرکاء بدر کا، یہ صدقہ ہے شہداء بدر کا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہاں 1400 تھے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو ڈیسائیڈ کر دیا ہے، قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یاد رکھنا کہ کانٹریکٹ یا عقد کی زبان آج بھی سیل بھی لکھتے ہیں، میں نامہ تو اس میں یہ لکھتے کہ میں یہ مکان اتنے میں بیچ رہا ہوں، یہ لکھتے کہ میں نے مکان اتنے میں بیچ دیا، حالانکہ اب بیچ رہے ہیں، لیکن اس کی قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ گویا یہ بک چکا ہے، تو اللہ نے بھی ماضی کے سیرے کے ساتھ فرما دیا کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو جائے، ان سے کوئی بدنصیب ناراض ہوتا ہے، تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی شہادت کو رد کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جس طرح اللہ کے رسولوں میں آپس میں درجہ بندی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا، بعد میں جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ مگر خبردار، کوئی بدتینت، کوئی خبیث الفطرت ان کے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں نہ لائے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے فرمایا کہ دار تم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی امانتوں کی حفاظت کرنا۔ ہم اہل سنت و جماعت تمام مقدسات دین کا احترام کرتے ہیں، شان رسالت کو بھی مانتے ہیں، شان اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، شان امہات المومنین کو بھی مانتے ہیں، شان صحابہ کو بھی مانتے ہیں، شان اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے جس کی جتنی تعریف کرو ہم خوش ہیں۔ حدود شریعت سے تجاوز کی اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں بھی اجازت نہیں دی، لا تطرونی کما اطرت النصارى، فرمایا اس طرح نصارا نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا، میری شان میں کبھی ایسا مبالغہ نہ کر۔ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرو حدود شرع میں،
बिल्कुल बयान फरमाए। अब हाल ये है कि रावलपिंडी में स्टेज सजा है, दाद दी जा रही है, एक साहब बयान करते हैं कि मैं सजीव हूं, मेरा नसब होगा फलां बिल्कुल 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 बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते इसमें तो मोहम्मद का नाम ही नहीं, तो मोहम्मद को अली में ज़म कर दिया। तो बोलो ताजदारे कागार की हैसियत कोई जेली है, कोई जिमरी है, कोई डुप्लीकेट है? इससे बढ़कर तो अमीर कोई हो सकती है? जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लू बनी अबिन असबतु मिन अबी, एक हदीस में कुल्लू बनी उनसा है, हर मर्द का बेटा, हर औरत का बेटा, उसका नसब उसके बाप से चलेगा, इल्ला बनी फातिमा, मगर सैयदतुल निसाए अहलिल जन्ना सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए मेरे आका ने फरमाया कि यह मेरिट बदल जाता है। जब किसी का नसब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा तक पहुंचेगा तो फिर फरमाया कि आना असबत हूं, तो मेरी तरफ उनका ट्रेन मुड़ेगा तो आले रसूल के लगेंगे। वो कहते हैं समोगे। तो इसलिए अकीदत की आड़ में जो बीज बोया जा रहा है इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, उलमाए असर की जिम्मेदारी है, मसलहतों का शिकार नहीं होना चाहिए, दीन के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो इखलास के साथ दीन के साथ खड़ा होगा दीन और उसको कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए हम और आप दीन के तालिबे इल्म हैं, दीन के खादिम हैं, दीन के गुलाम हैं, और हमने अपने आप को दीन के नुमाइंदे के तौर पर कौम के सामने पेश करना है। तो फिर बोलो नुमाइंदे में झोल होना चाहिए, नुमाइंदे में डिफेक्ट होना चाहिए। मैं एक हफ्ता पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी बाहुलपुर में एक सेमिनार में लेक्चर दे रहा था, तो मैंने कहा कि मैंने जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले होते हैं इश्तिहारी एजेंसियां होती हैं, तो एक तशहीरी माहिर से पूछा कि आप जो अपनी प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपकी साइंस क्या है? उसने कहा कि हम जब इश्तिहार बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी मसनू को, मसनूआत को बेचने के लिए, तो उसके पीछे ही हमारी फिलॉसफी होती है कि देखने वाले को और नजर आने वाले वाले को हम ये बावर कराते हैं अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो तुम नुकसान करोगे। ये नहीं कहते कि दे दे अल्लाह के नाम पर, मेरी मदद करो खरीद लो जैसे मांगने वाले होते हैं। तो फिर हम और आप इस्लाम के मार्केटिंग एजेंट हैं,
हमने बाय ऑप्शन इसको इख्तियार किया या हालात ले आए, अभी हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं। इस्लाम कोई एब्स्ट्रैक्ट या मुजर्रद चीज नहीं है कि आप देखें कि सामने कोई गुब्बारा उड़ रहा है। इस्लाम को लोग जानेंगे तो मेरे वजूद से जानेंगे, आपके वजूद से जानेंगे, हजरत के किरदार से जानेंगे, हजरत के किरदार से जानेंगे। हम अच्छे होंगे तो लोग इस्लाम को अच्छा समझेंगे, हम बुरे होंगे तो लोग हमसे पहले बुराई की नस्बत इस्लाम की तरफ करेंगे। तो फिर बोलो कि जब अल्लाह के दीन की हुरमत, अल्लाह के दीन के वकार के आप अमीन बन जाएं और जामिया अमीनिया में आप पढ़ रहे हों और मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला के इदारे में हो, तो फिर आपको अमानत की हिफाजत करनी है या नहीं, तो ये समझना। इसी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह इन्नी औऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फ़ऊ, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो नफ़ा दे, वमिन क़ल्बिन ला यख़्शऊ और उस दिल से तेरी पनाह चाहता हूं जिसमें तेरे लिए आजज़ी न हो, वमिन नफ़्सिन ला तशबऊ उस नफ्स से तेरी पनाह चाहता हूं जिसके हिर्स की आग कभी न बरे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन ताअल्लमा इल्मन युब्तगा बिही वजहुल्लाह लिअरदिन मिन अद्दुनिया लम यरिफ रायहतल जन्नत, कि जिसने वो इल्म हासिल किया यानी दीन का इल्म जिसे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हासिल करना चाहिए, अपनी दुनिया सजाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए, दुनिया बसाने के लिए, तो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। और मैं कि 40 साल की मसाफत से जन्नत की खुशबू आती है। तो दीन का खादिम बनना है तो दीन से वफा भी करनी है। फरमाया कि मन तलब इल्मा लियुजारी बिहिल उलमा और लियुमारी बिहिल सुफहा और लियसरफ वजूहन नास इलैही अदखलहुल्लाहु नार, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा के मुकाबले में तफाखुर करे, बड़ाई साबित करे और बेवकूफों को के साथ कजबेसी करे और लोगों की अकीदत को अपनी जानिब मायल करे, तो वो इल्म उसे जन्नत में नहीं जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दीन से वफा करोगे तो दुनिया वाले तुम्हारी दुनिया पर भी रश करेंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आप मुझे बताओ कि हम कौन होते हैं, हम क्या बेचते हैं कि लखपति करोड़पति अरबपति आगे बढ़ते हैं और आपका हाथ चूमते हैं। आप या हम बड़े हसीने आलम तो क्यों चूमता है, वो दीन की नस्बत को चूमता है, वो दीन की हुरमत को चूमता है, वो दीन के वकार को चूमता है, वो हमारे रंग को नहीं देखता, हमारे नुकूस को नहीं देखता,
हमारी आमद और जसामत को नहीं देखता, हमारे लिबास को नहीं देखता, वो निस्बते मुस्तफा को देखता है। तो उसकी हमें लाज रखनी है या नहीं है? तो आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आए दोगे, आपसे दीन जाना जाएगा, आपसे दीन पहचाना जाएगा, इसलिए आज जो आपने आखिरी हदीस पढ़ी है उसमें इमाम बुखारी ने एक पैगाम दिया है बाबु कौल अल्लाह अज़्ज़ व जल वनदौ मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा व अन्न अ'माल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। पहली हदीस में नीयत का कहा है और आखिरी हदीस में ये बताया कि आमाल को हम तोलेंगे और इस पर अक्ल परस्त एतराज करेंगे, जिसका अगर रैशनलिस्ट कहते हैं हम तो वही को इमाम मानते हैं, वो अकल को इमाम मानते हैं, तो अकल के पहले परिष्कार मुतज़िला थे। जब कुरान ने कहा कि वल बज़्म यौम इज़्ज़िल हक, आज क़यामत के दिन आमाल का वजन हक है, वनदौ मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, हम क़यामत के दिन अदल के तराजू रखेंगे और बनी आदम के अमाल व अक़वाल को तोला जाएगा, तो अकल परस्तों ने एतराज किया कि बाबा अमाल की आपकी नमाज है, तो आपकी नमाज क्या कि ये तो अर्ज है, जौहर तो नहीं है कि उसका खारिज में कोई अपना वजूद हो, अर्ज तो कायम बिल गैर होता है, आपकी नमाज आपकी वजूद के साथ है। अगर कोई कहे कि मेरे वजूद से हटकर मेरी नमाज कैसी है तो कुछ नजर आएगा? आपके वजूद से हटकर आपका रोजा कैसा है नजर आएगा? हज कैसा है नजर आएगा? तिलावत कैसी है नजर आएगी? तो उन्होंने कहा ये अमाल तो वजूद के साथ कायम है, अमाल का तो कोई वजूद खारजी है ही नहीं है, तो तोला कैसे जाए? इमाम बुखारी ने फरमाया मेरे रब ने फरमाया तोला जाएगा तो फिर तोला जाएगा। अक्ल कुर्बान बपेशे मुस्तफा, हम वही पर ईमान लाएंगे। अक्ल चाहिए लेकिन जो वही की गुलामी में हो, वो अक्ल नहीं चाहिए जो वही पर हाकिम बनना चाहे। तो आज आपको इस दौर का सामना है, आज के जो चैलेंजेस हैं उनमें को भी आपने समझना है, इस्लाम का दिफा करना है। सर सैयद की भी यही फिक्र थी, उसको हमारे नेचर ही कहा, नेचर कहते हैं फितरत को, फितरत अल्लाह अल्लज़ी फ़तर अन्नास अलैहा, तो उसने मौजज़ात को रद्द करने के लिए कहा कि कवानीन फितरत अटल है, लॉज ऑफ नेचर अटल है, अनचैलेंजेबल है, गैर मुतबद्दिल है, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ज्यादा कानूनी फिक्र ये है कि जीता
पूछा जाता है इंसान किसी आले के बगैर उड़ नहीं सकता, और तुम कहते हो कि नबी अर्श पे गए, माँ बनाए अर्श पे गए, तो कानून फितरत में उसको रद्द करता है। उनका कि अगर हदीस भी हो, मैंने इस पर लिखा भी है, और सही भी हो, तो हम कहेंगे कि रावियों को समझने में गलती होगी, क्योंकि कानून फितरत को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम जवाब देते हैं कि कानून फितरत को सबब और मुसबब, इल्लत और मालूल, कॉज एंड इफेक्ट, इस रिश्ते को हम भी जानते हैं कि आलम असबाब में सबब और मुसबब का रिश्ता है, लेकिन ये कवानीन फितरत मखलूक पर हाकिम है, अल्लाह पर हाकिम नहीं है। अल्लाह इन कवानीन का मुख्ताज नहीं है। कानून फितरत ये है कि मर्द और जन के इख्तलास से बच्चा पैदा होता है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को औरत के वास्ते के बगैर, हजरत मर्द के वास्ते के बगैर, हजरत हव्वा को औरत के वास्ते के बगैर, और हजरत आदम को दोनों वास्तों के बगैर पैदा करके बता दिया कि उनकी कुदरत असबाब की मुख्ताज नहीं है। लिहाजा कवानीन फितरत फातिर पर हाकिम नहीं है, खालिक पर हाकिम नहीं है। तो ये इमाम बुखारी ने चलते चलते आपको ये पैगाम दिया है कि आपको अकली चैलेंज का सामना करना होगा। बाकी बातें तो आपके साथियों ने बता दी होगी, लेकिन जो बात मैं अब करना चाहता हूँ कि इब्तिदा में नीयत, इन्नमा अल आमालु बिन्नियात। तो जिस तरह बंदा क्वालिटी में मरता है ना, अगर आपकी जेब में पैसा है और बेहिसाब है, तो आपका पता है कि घड़ी ये इलेक्ट्रॉनिक 100-200 की मिल जाती है, और अभी मलिक मोहम्मद बिन सलमान ने सुना है 10 करोड़ की घड़ी लेकर हमारे मिलियादुल पहुंची थी, अब मिल नहीं रही, तो शखाना में भी नहीं है, अब पता नहीं चलता। तो अब 500 और 10 करोड़ के फर्क है ही नहीं, तो किस चीज का फर्क है? क्वालिटी मेयार। मगर ये दुनिया की चीजों में है। ईमान के मेयार को देखो तो मेरे आका ने फरमाया कि लो अनफका अहदुन मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुत्तहदिकुम व नसीफुहु, कि अगर कोई बाद में आने वाला ए मेरे सहाबा उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी सस्ता कर दे, तो तुम्हारे 2-4 किलो जौ या खजूर या गंदम के सवाब को नहीं पा सकते। तो बंदे को क्वालिटी चाहिए तो रब को क्वालिटी नहीं चाहिए? उसका लोग तुम्हारे लोग से कम है माल। फरमाया कि बला तयम्मुर खबीसा, खबरदार कोई रिजेक्टेड चीज, 2 नंबर चीज, 10 नंबर चीज, माल हो, इबादत हो, अल्लाह की राह में देने का मत सोचो। वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू, तुम्हें कोई घटिया चीज दे तो तुम खुश दिली से कभी कबूल न करो, सिवाय इसके कि चश्म पेशी करो, चश्म पोशी कर लो, तो तुम घटिया को कबूल न करो तो रब घटिया को कबूल फरमा लेगा। इसलिए और आखिरी बात यह कि
इस कौम को ये भी बताओ कि इश्क़े मुस्तफा की का मेयार क्या है तुम्हारे पास, कि एक खुशगुलू नात खान पांच दस नातें याद करनी है, वो एक रात में बैठकर तुमसे हजारों लाखों लेते हैं और वो आलिम जो महीना भर बैठ मस्जिद पर बैठकर अल्लाह के कलाम की तफसीर पढ़ाए, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ाए, तुम महीने में और साल में भी उतना न दो, ये इश्क मुस्तफा है, ये मोहब्बत मुस्तफा है, क्या गले पर फैसला होगा? तो ये लोगों का कसूर नहीं, हमारा कसूर है कि हमने जुरत के साथ लोगों को हक बताया नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे हर दौर के बायस आरास पर गए, शान विलायत, मकाम विलायत, अजमत विलायत, करामात विलायत, निस्बत के फजाइल बयान किए, लेकिन ये किसी ने बताया कि ये उस बाबा के हैं जो कब्र में लेटे हुए हैं, ये जो करीम शेव सरकार है इसके लिए है। मन अबता अमलहु लम युसर, मन अबता अमलहु लम युसरे नसबहु, हदीस में फरमाया कि जिसका अमल उसे पीछे छोड़ दे मुजर्रद नसब आगे नहीं बढ़ाएगा। तो हमने जब नहीं बताया तो कौम के वसाइल किधर जाएंगे? जो आप अपने इदारों का दूसरों का तकाबुल करें, बाकी चीजों का तकाबुल करें, तो दीन की तरजीहात को भी समझना होगा। इमाम अहले सुन्नत ने, हमने इस्लाह अकायद व अमाल में लिखा हुआ है कि मैं उम्मत के जवाल को देखता हूं, अहले सुन्नत के हाल को देखता हूं, अगर गोयम तरसम के मगजे उस्तखां सोजत, अगर दम दरकशम तरसम के मगजे उस्तखां सोजत। वो बयान करते हैं कि जो इस उम्मत पहले सुन्नत उनको 102 साल 103 साल हो गए कि मैं अगर हकीकत हाल बयान करूं, अगर रोकता हूं जज्बात को जबान पर नहीं लाता तो जज्बात की हरारत से हड्डियां तो क्या उनका गूदा तक जल जाएगा, और अगर गोयम जबान सो दो। जो सच कहता हूं मजा और फत का जाता है, जो चुप रहता हूं गले जामुन को आता है। तो अब सच बयान करो, कौम को भी बताओ, कौम पर हुज्जत कायम करो, हौसला पकड़ो। लेटने की नहीं खड़े होने वाली मखलूक चाहिए हमें मैदान अमल में, और इंशाअल्लाह ताला आप जुरत के साथ खड़े रहेंगे तो दीन की बरकत से आपकी कामत बुलंद होती रहेगी, आपकी इज्जतों में
अजमतों में इजाफा होता रहेगा। ये जो दस्तार आप में रहेंगे, ये जिम्मेदारियों का बोझ आप उठाने का पैमान बांध रहे हैं और इसकी राह पे किसी मसलहत को आड़े नहीं आना चाहिए। ये मेरा आपसे पैगाम है, आपका बहुत शुक्रिया, हजरत का शुक्रिया, आप सबको मुबारकबाद, आपके असाज़े कराम को मुबारकबाद। और हौसला पकड़ो, जुरत के साथ, जसारत के साथ, हिम्मत के साथ, इस्तेकामत के साथ दीन के लिए मैदान अमल में खड़े हो जाओ। आज दीन को आपकी पहले से ज्यादा जरूरत है। इकबाल ने इस्लाम का मरसिया पढ़ा कि मैं जो सोख्ता सामान हूँ तो ये रूज़े सियाह खुद मेरे घर के चरावा ने दिखाया है मुझे, काफिर मेरी तजलील न कर सकता था, ये सौभा पता की है मुसलमान ने मुझे। आज मुसलमान को ये कर्ज चुकाना चाहिए। इकबाल ने कहा कि गिलाए जफाए वफा नुमा, के वफा का लेबल लगाकर, इश्क का लेबल लगाकर तुम जो जफा कर रहे हो, करूं बुत कदे में अगर बयां, कहे सनम भी हरी हरी, कि बुत भी कहेगा कि मुझे पूजने वाले तो ये कारनामा तोरण भी अंजाम नहीं दिया जो इश्क मुस्तफा का दावा करके कर रहे हैं। तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन की इन जिम्मेदारियों में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। अम्मा अलैया इल्ला बना।